साथियों, पहले की सरकारों की एक और सोच थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था। लेकिन साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत इस स्कैर्सिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी नहीं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टीकरण न करके देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना है। बीते 10 वर्षों में यही हमारा एक मंत्र है, यही हमारी सोच है, यही सबका साथ सबका विकास है। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। जब अभाव होता है तो करप्शन होता है, भेदभाव होता है। जब सैचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है, सद्भाव होता है। आज सरकार अपनी तरफ से घर घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है। अपने बीते समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के अफसर गाड़ी लेकर गांव-गांव जाए और पूछे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला या नहीं मिला। आज हमारी सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर कह रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। इसलिए मैं कहता हूं, जब सैचुरेशन एक मिशन बन जाए तो हर प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था, लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। साथियों, 21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा। इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।